सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुपर स्टोरीज। और गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर नाइट क्रॉलर के बारे में। हमें नाइट क्रॉलर मार्वल कॉमिक्स में पहली बार 1975 में देखने को मिला था, जिसके बाद से ये कैरेक्टर मार्वल की हजारों कॉमिक्स और कई सारी एक्समैन मूवीज में भी देखने को मिल चुका है। लेकिन इतने सारे कॉमिक्स एंड ऑन स्क्रीन अपीयरेंसेस होने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों को इस नीले स्किन और शार्क टेल वाले कैरेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और अगर आपको भी इस औसम कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो बस इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको नाइट क्रॉलर के ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज, कुछ अननोन बातों और भी बहुत सी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। और गाइस इस वीडियो के एंड में मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग और जरूरी अनाउंसमेंट भी की है, तो इस वीडियो के एंड पार्ट को तो बिल्कुल भी मिस मत करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वो अनाउंसमेंट कैसी लगी। लेकिन अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो कृपया एक बार हमारे चैनल को विजिट करके हमारे सुपर हीरोज और कॉमिक कंटेंट से रिलेटेड अदर वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना, और अगर हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो गाइस चलिए अब इस सब कॉन्टेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इन्फो के बाद मेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस नाइट क्रॉलर हमें पहली बार देखने को मिला था 1975 की जायंट साइज एक्समैन कॉमिक के इश्यू नंबर 1 में, और जिसके रियल नेम कर्ट वैगनर और कर्ट जार्डोज हैं, और इसे क्रिएट किया था राइटर लैन वीन और आर्टिस्ट डेव कॉकरम ने। और इस कॉमिक इश्यू में नाइट क्रॉलर को चार्ल्स जेवियर एके प्रोफेसर एक्स के द्वारा एक्समैन की नई टीम में रिक्रूट किया गया था। और इस कॉमिक में हमें नाइट क्रॉलर की ओरिजिन और बैक स्टोरी को सिर्फ 2 पेजेस में काफ़ी ब्रीफली निपटा दिया गया था। लेकिन आगे चलकर इस ओरिजिन को 2010 की एक्समैन ओरिजिन्स नाइट क्रॉलर और कुछ अदर कॉमिक्स में एक्सपेंड और रीइमेजिन किया गया था। और अगर आपने मिस्टिक के ओरिजिन पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि नाइट क्रॉलर असल में म्यूटेंट्स मिस्टिक और अजाजेल का बेटा है। और असल में सब की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले जर्मनी के किसी छोटे से शहर में, जहां मिस्टिक एक नॉर्मल लेडी के रूप में शिफ्ट करके सीक्रेटली एक बैरन के साथ शादी करके रहने लगती है। और जब एक दिन वो बैरन अपने घर पर एक पार्टी देता है तो वहां पर मिस्टिक और अजाजेल एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, और मिस्टिक की ही तरह अजाजेल भी यहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन के रूप में ही मौजूद था। और जिसके बाद उन दोनों के बीच कुछ समय तक काफ़ी कुछ चलता है, जिससे वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद मिस्टिक प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स उसके जन्म दिए हुए बच्चे को देखकर डर जाते हैं और उसे सेटैन का बच्चा समझने लगते हैं, क्योंकि मिस्टिक ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी स्किन मिस्टिक की ही तरह ब्लू कलर की थी, और उसके साथ ही उसकी एक शार्प पॉइंटेड टेल भी थी। और इसी दौरान सभी चीज़ों के स्ट्रेस के वजह से मिस्टिक का अपनी पावर्स पर से कंट्रोल लूज हो जाता है, और वो वापस से अपने ओरिजिनल ब्लू कलर में आ जाती है, जिसे देखने के बाद उस छोटे से शहर के सभी सिटीजन्स मिस्टिक और उसके बच्चे को मॉन्स्टर मानकर उन्हें जान से मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। मिस्टिक जैसे तैसे उन लोगों से बच के थोड़ी दूर एक नदी के पास पहुंच जाती है और उस बच्चे को उसी नदी में बहा देती है। अब कॉमिक्स में हमें सीन के 2 वर्जन्स देखने को मिले हैं, जिनमें से एक में मिस्टिक थक हार कर अपने बच्चे को नदी में बहाकर वहीं बेहोश हो जाती है, वहीं दूसरे में वो उस बच्चे को एक पहाड़ी से नीचे नदी में फेंक देती है और अजाजेल को कोसते हुए वहां से भाग जाती है। जिनमें से नाइट क्रॉलर की लेटेस्ट ओरिजिन में हमें सीन का पहला वर्जन दिखाया गया था। अब स्टोरी में आगे बढ़े तो इसके बाद ये बच्चा नदी में बहते हुए मार्गाली जार्डोस नाम की लेडी को मिलता है, और नाइट क्रॉलर की डेविलिश अपीयरेंस होने के बावजूद भी वो उसे एडॉप्ट करने का फैसला कर लेती है। लेकिन मार्गाली के ब्लेच के लोग नाइट क्रॉलर को एक अबोमिनेशन और डेविल ही मानते थे, और इसलिए कुछ समय बाद मार्गाली अपने दोनों बच्चों के साथ नाइट क्रॉलर के लिए एक नए घर की तलाश में निकल जाती है, जहां मार्गाली की तलाश हर गेटमैन नाम के एक आदमी पर आकर खत्म होती है, जो कि असल में एक सर्कस ओनर होता है। और उसने मार्गाली से नाइट क्रॉलर को सिर्फ इसलिए लिया था
ताकि वो नाइट क्रॉलर की काफी डिफरेंट और डेविलिश अपीयरेंस होने की वजह से अपने सर्कस की तरफ लोगों की अटेंशन खींच पाए, जिसके कुछ समय बाद हर गेटमैन नाइट क्रॉलर को अपने सर्कस के नए अट्रैक्शन द सिनिस्टर ब्लू डेविल के नाम से पेश करता है। लेकिन नाइट क्रॉलर के सिर्फ एक जगह पर बैठे रहने की वजह से लोग उससे कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं, और जिसके बाद हर गेटमैन इसकी सजा के रूप में नाइट क्रॉलर को हंटर से पीटने लगता है। और तभी नाइट क्रॉलर हंटर से बचने के लिए उछलकर एक खंभे पर ऊपर चढ़ जाता है, और ये देखकर हर गेटमैन नाइट क्रॉलर की इन एक्रोबेटिक स्किल्स का फायदा उठाता है और उससे अपने मेन सर्कस में कई सारे करतब करवाने लगता है। और फिर धीरे धीरे नाइट क्रॉलर गेटमैन के सर्कस का मेन स्टार बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ सर्कस में काफी बुरा बर्ताव किया जाता था, और जब भी नाइट क्रॉलर अपना एक्ट खत्म करके आता था, गेटमैन उसे एक पॉइजन इंजेक्शन लगाकर केज में बंद कर दिया करता था, जिससे उसके लिए नाइट क्रॉलर को कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता था। और इस सब के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी नाइट क्रॉलर की फॉस्टर मदर मार्गाली कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस सर्कस के अलावा उसके पास कोई और जगह भी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन मरगाली को पता चलता है कि गेटमैन अब नाइट क्रॉलर से तंग आकर उसे किसी और को बेचने वाला है, जिसके बाद मरगाली नाइट क्रॉलर के केज के लॉक को तोड़कर उसे वहां से दूर भागने के लिए बोल देती है। लेकिन इससे कुछ देर पहले ही नाइट क्रॉलर को एक पॉइजन इंजेक्शन दिया गया था, जिस वजह से अभी उसका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता है, और उसके गलती से एक फायर टॉर्च को गिरा देने की वजह से पूरे सर्कस में आग लग जाती है। और वहीं मौजूद गेटमैन ये सब देख लेता है, और वो अपने आदमियों के साथ नाइट क्रॉलर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और कुछ देर के बाद ही गेटमैन और उसके आदमी नाइट क्रॉलर को पकड़ लेते हैं। और फिर जब नाइट क्रॉलर को मारने के लिए एक आदमी उसके सर पर अपनी राइफल से निशाना लगाता ही है कि तभी नाइट क्रॉलर अचानक से वहां से गायब होकर कुछ दूर पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और गेटमैन और उसके आदमियों से पीछा छुड़ाने में सक्सेस हो जाता है। और असल में यही वो पहला मोमेंट होता है जब नाइट क्रॉलर को अपनी टेलीपोर्टेशन पावर्स के बारे में पता चलता है। गेटमैन और उसके आदमियों से पीछा छुड़ाने के बाद नाइट क्रॉलर एक चर्च में जाकर छुप जाता है, और उस चर्च में मौजूद फादर नाइट क्रॉलर की किसी डेविल या मॉन्स्टर जैसी अपीयरेंस होने के बावजूद भी उसे अपने चर्च में एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस फादर का मानना था कि किसी को भी उनकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबको बनाने वाला गॉड एक ही है, और जब उसने किसी में भेदभाव नहीं किया है तो वो ऐसा करने वाला कौन होता है। जिसके बाद नाइट क्रॉलर उस फादर के साथ उसी चर्च में रहना शुरू कर देता है। उसके और फादर के बीच में असली फादर और सन का रिलेशन बन गया था। अगले कई दिन नाइट क्रॉलर और उस फादर दोनों के लिए काफी अच्छे बीतते हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि अच्छा समय काफी जल्दी बीत जाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, जब एक दिन अचानक नाइट क्रॉलर का फॉस्टर ब्रदर आर्मिन जार्डोस घायल और चोटिल हालत में चर्च में उसके पास पहुँचता है। आर्मिन नाइट क्रॉलर को बताता है कि गेटमैन और उसके आदमियों को उसके बारे में पता चल चुका है, और वो उसे मारने के लिए वहां आ रहे हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि गेटमैन और उसके आदमी मसाल लेकर वहां आ चुके थे। फादर गेटमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गेटमैन उसकी एक नहीं सुनता और नाइट क्रॉलर पर हमला करना शुरू कर देता है, और जिससे बचने के लिए नाइट क्रॉलर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर्स का यूज करता है और अपने भाई को पास की ही किसी सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट करके गेटमैन से निपटने वापस आता है। और गुस्से में आकर वो गेटमैन पर काफी हमला करता है, और जब वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी उसके दिमाग में कोई आवाज उससे ऐसा ना करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो गेटमैन और उसके आदमियों को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। लेकिन वो लोग भी कहां इतनी आसानी से मानने वाले थे, और वो नाइट क्रॉलर को मारने के लिए अपनी राइफल उस पर पॉइंट करते ही हैं कि अचानक वो सब अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, और जिस आवाज ने पहले नाइट क्रॉलर को गेटमैन को मारने से रोका था, वही आवाज उससे आगे बोलती है कि कर्ट, अब ये लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो आवाज असल में प्रोफेसर एक्स की होती है, और वो वहां नाइट क्रॉलर को अपनी नई एक्समैन टीम को ज्वाइन करने के लिए पूछने आए होते हैं। लेकिन नाइट क्रॉलर उसे बोलता है कि उसे अभी अपनी फॉस्टर फैमिली को गेटमैन से बचाना है, जिस पर प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि उसे अपनी फैमिली, गेटमैन या चर्च के फादर की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो सब प्रोफेसर एक्स अपनी माइंड कंट्रोलिंग पावर्स की मदद से ठीक कर देंगे और नाइट क्रॉलर को एक बिल्कुल ही नई जिंदगी देंगे, जिसके बाद नाइट क्रॉलर प्रोफेसर एक्स के साथ जाकर उनकी एक्समैन टीम को ज्वाइन कर लेता है और जिसके बाद से नाइट क्रॉलर एक्समैन की टीम का काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर और कई सारे कॉमिक इवेंट्स का मेजर पार्ट रहा है। और एक्समैन के अलावा नाइट क्रॉलर मार्वल कॉमिक्स की एक्सकैलिबर नाम की टीम का भी मेंबर रह चुका है, जिस टीम में कैप्टन ब्रिटेन, ब्लैक नाइट और फीनिक्स जैसे कई अदर कैरेक्टर्स भी शामिल थे। तो गाइस अब बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो नाइट क्रॉलर को मेनली उसकी टेलीपोर्टेशन पावर्स की वजह से ही जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास कई और पावर्स भी हैं, जो कि हैं एनहेंस्ड एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, नाइट विजन, किसी भी सरफेस पर बिना परेशानी के क्लाइम करना, दुनिया भर के कर्तव्य या कहें तो एक्रोबैटिक्स में उस्तादी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सोर्ड फाइटिंग में माहिर, और इस सब के अलावा उसकी नीली नुकीली टेल तो है ही, जो कि किसी भी आम कुत्ते बिल्ली की टेल से काफी अलग है, क्योंकि उसकी ये टेल असल में प्रीहेंसाइल या कहें तो एक समझदार टेल है, जिसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि उसकी टेल में खुद की समझने की क्षमता है। वैसे कॉमिक्स में ओरिजिनली नाइट क्रॉलर का आइडिया डीसी कॉमिक्स को पिच किया गया था, लेकिन डीसी कॉमिक्स के इस कैरेक्टर को ज्यादा भाव न देने के बाद इसके क्रिएटर इस आइडिया को लेकर मार्वल कॉमिक्स के पास पहुंचे, जहां उन्होंने इसे एक्समैन के न्यू मेंबर के रूप में यूज किया। इसके अलावा जब एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन मूवी रिलीज होने वाली थी, तो उस समय नाइट क्रॉलर की एक ओरिजिन मूवी की भी काफी ज्यादा रूमर्स थी, लेकिन उसके बाद जब एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन मूवी ही नहीं चली तो फिर नाइट क्रॉलर की मूवी का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या नाइट क्रॉलर अपनी खुद की सोलो मूवी को डिजर्व करता है, या अगर कभी नाइट क्रॉलर की स्टैंड अलोन मूवी आती है तो क्या आप उसे देखने जाएंगे? ये सब बातें आप मेरे साथ नीचे कमेंट्स में लिखकर शेयर जरूर करें। और अब बात करें उस स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में की थी, तो गाइस वो अनाउंसमेंट हमारे नए यूट्यूब चैनल की है। तो गाइस जितना बड़ा फैन मैं सुपर हीरोज और कॉमिक्स का हूँ, उतना ही बड़ा फैन मैं मांगा, एनीमे और एनिमेशन का भी हूँ। लेकिन क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ कॉमिक कंटेंट पर फोकस करता हूँ और मैं इन दोनों को इस चैनल पर मिक्स नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एनीमे से रिलेटेड कंटेंट के लिए एक नया सेपरेट चैनल बना लिया है। और गाइज उस यूट्यूब चैनल का नाम है एनीमे कार्यालय, और गाइज वहाँ आपको एनीमे रिव्यूज, रिकमेंडेशंस, एक्सप्लेनेशंस और भी बहुत से वीडियोस देखने को मिलेंगे, और उस चैनल पर मैंने वीडियोस डालना शुरू भी कर दिया है। तो अगर आपको सुपर हीरो और कॉमिक कंटेंट के साथ साथ एनीमे कंटेंट देखना भी पसंद है, तो हमारे न्यू चैनल एनीमे कार्यालय को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो कृपया हमारे उस न्यू यूट्यूब चैनल एनीमे कार्यालय को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और अपना पूरा सपोर्ट जरूर दिखाएं। डू इट, जस्ट डू इट। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो और आपको ऐसे ही सुपर हीरोज और कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट को देखना पसंद हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को एक्टिवेट भी कर लेना। आप अपने ओपिनियंस, सजेशंस या अगला वीडियो हमें किस कैरेक्टर पर बनाना चाहिए, ये सभी बातें नीचे जाकर कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, तो आप लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज़, अपडेट्स और फैक्ट्स के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @superstory7 पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक न्यू ऑसम वीडियो के साथ।